खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जुलाई के महीने में 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जो अचानक से मालामाल धनवान होने जा रही है, अपनी किस्मत पलटने जा रही है। जी हाँ मित्रों, बात करेंगे हम इस वीडियो में कि जुलाई का महीना 5 राशियों के लिए भाग्यशाली रहने जा रहा है। जून का महीना खत्म होने को आ रहा है और अगला महीना आ रहा है जून के बाद जुलाई का महीना आ रहा है और जून के बाद जुलाई के महीना के लिए लोगों को बेसब्री से इंतजार है। दोस्तों, जून का महीना तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन लोग सभी को इंतजार रहता है कि आने वाला अगला महीना कैसा क्या रहने वाला है उनके लिए। तो बात करेंगे हम इस वीडियो में कि जुलाई के महीने में कैसा क्या रहने वाला है अगली 5 राशियों के लिए और कौन सी वो 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए जुलाई का महीना बम्पर लॉटरी लेकर आ रहा है, मालामाल धन योग बनाने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि जुलाई के महीने में 4 ग्रहों का गोचर होगा और ये 4 ग्रह हैं सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये ग्रह एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ बुध से युति कर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। उसके बाद मंगल वृषभ राशि में आकर सूर्य और गुरु के साथ युति बनाएंगे। फिर सूर्य का गोचर कर्क राशि में होगा और कर्क में पहले से ही विराजमान बुध और शुक्र के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे। सूर्य के बाद बुध कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे और सबसे आखिर में शुक्र एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आ जाएंगे और फिर से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। ग्रहों के इस राशि परिवर्तन से 5 राशियों की किस्मत अचानक से पलटने जा रही है। तो दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में 4 ग्रहों के गोचर के बाद राशि जो बनने जा रही है वो भाग्यशाली राशियां कौन सी है जो अचानक से मालामाल धनवान होने जा रही है, करोड़पति योग बनाने जा रही है। तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि बनकर आएगी वो आती है मित्रों मेष राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर चे चा ची चू ले ला ली लू ए और आर से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार और मालामाल रहने जा रहा है। इस दौरान आपको अचानक से धन लाभ होने की संभावना है, मान सम्मान में वृद्धि होगी, करियर में उन्नति होगी, नौकरी में बड़े लोगों से आपका मेलजोल बढ़ेगा, व्यापार में बड़ा अवसर प्राप्त होगा, घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्च बढ़ेगा, परिवार वालों के साथ लंबे समय के बाद अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, घर परिवार वालों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलने जा रहा है और अगर आपका विवाह साल भर के अंदर हुआ है तो आपको अच्छी खबर भी मिल सकती है, संतान से जुड़ी कोई भी खुशखबरी आपको घर में मिलने जा रही है, नन्हे सी किलकारी गूंज सकती है आपके घर के अंदर और आपको कई यात्राओं का योग भी बनने जा रहा है जिससे आपको लाभ मिलेगा। पति पत्नी में या लव कपल में जो अनबन चल रही थी उसमें भी आपको प्रेम और विश्वास देखने को मिलेगा, कोर्ट कचहरी का अगर कोई मामला है तो उसमें भी आपको जीत निश्चित मिल सकती है। भूमि भवन या वाहन अगर खरीदने का अगर आप योजना बना रहे हैं तो अब समय आपके लिए एकदम उचित और अनुकूल रहने जा रहा है, इसमें आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको वाहन वगैरह आने का योग भी बन रहा है, धन का खर्च होगा लेकिन उसके लिए आपको फिर से आने वाले समय में उसका अच्छा रिटर्न और मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, लंबे समय से कहीं से भी अटका हुआ धन भी आपको मिलने का योग बन रहा है, नौकरी और कारोबार वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है जुलाई के लिए। अगर नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो समय बिल्कुल भी अच्छा है, बिल्कुल भी समय को मत गवाइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार समय बनने जा रहा है। जितने भी मेष राशि के जातक है, जुलाई के महीने में आपके कई रुके हुए काम जो भी है वो आपके बनने जा रहे हैं। अगर कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो जुलाई के महीने का आप इंतजार कर सकते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए दिन दुगनी और रात चौगुनी वाला समय लेकर आने वाला है। चलिए मित्रों, बात करते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि के बारे में जो जुलाई के महीने में अपनी किस्मत चमकाने जा रही है, धन योग बनाने जा रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो सब कुछ हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन जो है पूरा का पूरा गरीबी और कठिनाइयों में ही बीत जाता है। मित्रों, ये सभी ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली आपको घर बैठे मिलने जा रही है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप संपर्क करके व्हाट्सएप के जरिए गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी घर बैठे जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों, कुंडली देखना फ्री नहीं है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देती है, तो उसको आप मोबाइल के जरिए फोन पे, गूगल पे, पेटीएम
से गुरुजी को 251 रुपए की फीस का भुगतान करके अपने जीवन में अभी का समय क्या चल रहा है, आने वाला समय क्या कैसा क्या रहेगा, अभी आपकी कुंडली में क्या ग्रह दशा चल रही है, क्या दोष है, क्या उपाय आपको करना पड़ेगा, कौन सा ग्रह आपको कमजोर है, कौन सा रत्न आपको पहनना है, कौन सा दिन कौन सा कलर आपके लिए शुभ है, हर एक चीज की रिपोर्ट आपको कुंडली रिपोर्ट में मिलने जा रही है। दोस्तों अगर आपकी भी विवाह में बाधा आ रही है, विवाह वाले देखने तो आते हैं लेकिन वापस रिप्लाई नहीं देते, हाँ ना में जवाब नहीं देते हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको हमेशा एक दो नंबर से रह जाते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी आप कंपटीशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई बाधा जरूर बन रही है, प्राइवेट नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देकर आते हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ना कोई रिपोर्ट आती है ना कोई फोन आता है कंपनियों वालों का, कर्ज चढ़ चुका है उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे हैं, घर में ग्रह क्लेश बना हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में कोई भी बाधाएं बन रही है, दिक्कत आ रही है, व्यापार कौन सा नया शुरुआत करे वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पति पत्नी में अनबन बनी रहती है, परिवार में ग्रह क्लेश बना हुआ है, कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं या कोई भी काम अटका हुआ है पूरा नहीं हो रहा है, भवन भूमि का काम रुका हुआ है पूरा नहीं हो पा रहा है, व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आपको, अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं उस पर आप हमारे गुरुजी से संपर्क करके मात्र 251 रुपए के फीस में अपने जीवन की संपूर्ण महाजन्म कुंडली को जान पाएंगे और अपनी समस्याओं का हल पा पाएंगे गुरुजी से डायरेक्ट मोबाइल पर। चलिए मित्रों बात करते हैं जुलाई के महीने में अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मित्रों मिथुन राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर के का की कु ये गन्ये से शुरू होता है उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना बहुत ही शानदार रहेगा, आपके लिए समस्याएं अगर कोई भी है तो समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने जा रही है, सभी तरह के अटके कार्य पूर्ण होंगे, मन की उलझनों का समाधान होगा, नौकरी में वेतन वृद्धि होगी, व्यापारी है तो आपकी आय के नए साधन मिलेंगे, व्यापार को लेकर आप काफी व्यस्त रहेंगे, घर परिवार में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, कोई भी मांगलिक प्रोग्राम रह सकता है जिसके साथ आपको परिवार वालों के साथ मिलने का मौका मिलेगा, लंबे समय के बाद परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा जिससे आपके एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, लव कपल्स हो या पति पत्नी हो उनके बीच भी प्रेम देखने को मिलेगा, लंबे समय से अटका हुआ पैसा आने का बिल्कुल पल-पल योग बन रहा है, यह महीना आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा, धर्म कर्म के काम में मन लगेगा, नौकरी पैसा लोगों का मान सम्मान बढ़ जाएगा, अधिकारी वर्ग के लोगों से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा, करियर में प्रगति के नए अवसर मिलने के योग हैं, घर परिवार वालों में माहौल में सुखद रहेगा, मित्रों से सावधान रहना होगा, पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार नहीं करें नहीं तो कहीं ना कहीं आपको आपके लिए व्यापार के लिए थोड़ा आपके लिए दुखद रह सकता है। चलिए मित्रों बात करते हैं जुलाई के महीने में अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि निकल कर आ रही है उसके बारे में, तो वो आती है मित्रों मकर राशि। जी हाँ मित्रों, जिनके भी नाम का पहला अक्षर जे जा जी जू दे दा से शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि आपके लिए यह माह काफी शानदार साबित होने वाला है, नौकरी पैसा है तो प्रमोशन के प्रबल योग है, आर्थिक रूप से मजबूती देखने को मिलेगी, साथ ही आपको धन और विद्या दोनों की प्राप्ति होने के भी प्रबल योग बन रहे हैं, आपकी सुख सुविधाएं बढ़ेगी, कारोबार में तरक्की उन्नति देखने को मिलेगी, मुनाफा आप अच्छा कमा पाएंगे, लंबे समय से चली आ रही कोई भी कोर्ट कचहरी का केस है वो निपटने का योग बन रहा है, अचानक धन का योग बनेगा और सभी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, लंबे समय से अटका हुआ रुका हुआ पैसा भी आपका आने वाला है, लंबी यात्राओं का योग बनेगा जिससे आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार योग बनने वाला है, मकर राशि पर शनि की साढ़े साथी भी चल रही है लेकिन 29 जून को हुए शनि वक्री के चलते आपको जुलाई का महीना बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली साबित होने जा रहा है, आर्थिक पक्ष आपका बहुत ही मजबूत दिखाई दे रहा है इस समय, और अभी तक जो काम धंधे से जुड़े कोई भी काम आपके रुके फंसे हुए थे वो भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे, नए नए लोगों का आगमन आपकी लाइफ में होगा जिससे आपको आर्थिक रूप से फायदा देखने को मिलेगा, पार्टनरशिप या साझेदारी का अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको संभल कर काम करना होगा, माता पिता और भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए दोस्तों जुलाई की भाग्यशाली राशियों के अपडेट में फिलहाल इतना ही, जल्द मुलाकात करेंगे एक और ताजा अपडेट ग्रह गोचर के वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय राधे राधे।